ऐसे दौर में जब सारी राजनीति राम मंदिर के इर्द गिर्द सिमट गई है, कांग्रेस ने बड़ा रिस्क उठाया है। ऐसे वक्त में जब आरएसएस और बीजेपी अयोध्या में चुनावी स्टंट कर रही हैं, कांग्रेस ने हिम्मत का काम किया है। ऐसे माहौल में जब 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ चंद महीने बचे हैं, कांग्रेस ने एक बड़ा जोखिम उठा लिया है। बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात ना कहोगे। प्रेमचंद अपनी कहानी पंच परमेश्वर में न्याय के पक्ष में खड़े होने की जो बात कहते हैं, कांग्रेस ने अब उस पर अमल किया है। मैं साफ कर दूं कि ये वीडियो कांग्रेस की तारीफ करने के लिए नहीं है, बल्कि कांग्रेस के उस फैसले को लेकर है जो उसने राम मंदिर पर अभी लिया है। दरअसल 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर उद्घाटन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को राम मंदिर के उद्घाटन के लिए न्योता भेजा गया था, लेकिन कांग्रेस ने उस न्योते को ठुकरा दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से जो प्रेस रिलीज शेयर की गई है, उसकी मैं आपको बता दूं क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि राम को करोड़ों लोग पूजते हैं और धर्म एक निजी मामला है, लेकिन आरएसएस बीजेपी ने अयोध्या में मंदिर को अपना पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बना दिया है। चुनावी फायदे के लिए अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले को और राम मंदिर के भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी इस न्योते को मना करते हैं। यानी कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने से मना कर दिया है। कांग्रेस नेताओं को बुलाया गया था राम मंदिर के उद्घाटन में, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया, ये कहते हुए कि बीजेपी ने तो इसे अपना पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बना दिया है, धर्म तो एक निजी मामला है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट हो रहा है। इसलिए चुनाव से पहले जो राम मंदिर के उद्घाटन में कांग्रेस को बुलाया गया था, उन्होंने उनको मना कर दिया। बड़ा जोखिम है, बड़ा रिस्क है, क्योंकि चुनाव चंद महीने दूर हैं। जल्द ही इस देश में चुनाव होने वाले हैं, मार्च में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब बीजेपी और आरएसएस वालों ने मनोमीडिया के साथ मिलकर सब कुछ राम में करने की तैयारी की हुई है। आप देखें, जब भी टीवी खोलेंगे आपको हमेशा राम के नाम की कुछ चीज़ें दिखेंगी, राम मंदिर से अयोध्या से रिपोर्ट दिखाई देंगी, पूरा राम में माहौल मनोमीडिया और बीजेपी आरएसएस के लोग बनाए हुए हैं। सारी बहस राम मंदिर पर आकर टिक गई है और अयोध्या जाने के लिए जनता भी उमड़ी जा रही है, बड़ी संख्या में लोग वहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये फैसला दरअसल एक बड़ा जोखिम है, उसने हिम्मत का काम किया, एक बड़ा रिस्क उसने उठाया है। आप सब जानते हैं कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने अपनी राजनीति पारी की शुरुआत की थी और राम मंदिर आंदोलन के सहारे ही बीजेपी 2 सीटों से अब प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल हो गई। और अब चुनाव से ठीक पहले अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन भी किया जा रहा है। जनता को राम मंदिर जाने के लिए कलश बांटे जा रहे हैं, कोई दिवाली मनाने की बात कर रहा है, तो कोई राम के नाम पर कोई धार्मिक कर्मकांड करने की तैयारी में है। कुल मिलाकर हर तरफ बीजेपी ने राम नाम को प्रचारित किया है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे राम मंदिर का ही सहारा है। अगर रोजी रोटी पर चुनाव होंगे, न्याय पर चुनाव होगा, हेल्थ पर चुनाव होगा, शिक्षा पर चुनाव होगा, नौकरियों पर, रोजगार पर चुनाव होगा, तो बीजेपी वहाँ नहीं ठहरेगी। इसलिए उसको मालूम है कि आप जनता को राम मंदिर की तरफ मोड़ दो, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की तरफ मोड़ दो, उसी से फ़ायदा होगा। अभी मंदिर पूरा भी नहीं हुआ है और हिंदू धर्मशास्त्रों के मुताबिक, जो हिंदू लोग कहते हैं कि हम धर्मशास्त्रों को मानते हैं, उनके मुताबिक भी अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं हो सकता, लेकिन मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मार्च महीने में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी और फिर अप्रैल मई में नई सरकार भी बन जाएगी, वोटिंग होगी उस समय। इसलिए चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने 22 जनवरी को ही अधूरे राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी कर ली। अब देखिए कि कितना चुनावी उनमें डेस्परेशन है कि वो चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर का उद्घाटन कर देना चाहते हैं और ये संदेश दे देना चाहते हैं कि मोदी सरकार की बदौलत राम मंदिर बन गया। लोग ये भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि ये तो मोदी ने ही बनवा दिया, बीजेपी आरएसएस के लोगों ने बनवा दिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी लोग भूल गए हैं। बीजेपी इसे अपनी जीत की तरह पेश करेगी और विपक्ष के लिए लोकसभा चुनाव की राह और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब सब कुछ राम के नाम पर आ जाएगा तो फिर वहाँ जनता महंगाई, शिक्षा और रोजगार से ज़्यादा हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की लड़ाई में फंस जाएगी और उसी में वो मस्त भी हो जाएगी। इसलिए बीजेपी माहौल बनाने में जुटी हुई है। आम मुसलमानों के घरों के सामने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसे गाने डीजे पर तेज़ आवाज़ में बजाए जा रहे हैं। तमाम तरीके के ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुसलमानों को चिढ़ाया जा रहा हो, उनके घरों के सामने जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, माना जा रहा है कि उनको इस तरह से लग रहा है कि चिढ़ाने की कोशिश हो रही है। कई मुसलमानों को शायद डर भी लग रहा हो, क्योंकि मुसलमानों को देखिए, जो
उनको नसीहत दे रहे हैं मुसलमान नेता कि 20 जनवरी से 26 जनवरी तक घरों से बाहर ना निकले, ट्रेन में यात्रा ना करें, बस में ना जाएं, कहीं बाहर ना निकलें, क्योंकि कुछ हो सकता है। तो एक डर का माहौल भी बनाने की कोशिश हो रही है, एक तरफ मुसलमान, दूसरी तरफ दलित, आदिवासी और पिछड़ों के उन लोगों को भी चिढ़ाया जा रहा है जो जय श्री राम की जगह जय भीम, जय मंडल या जय जोहार बोलना पसंद करते हैं, जो हिंदुत्व की विचारधारा में नहीं है बल्कि अंबेडकर की विचारधारा में, फूले की विचारधारा में, इनकी अपने जो सामाजिक न्याय के नायक और नायिकाएं हैं उनकी विचारधारा में है, उनको भी चिढ़ाने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर बीजेपी अयोध्या के राम मंदिर के नाम पर लोकसभा चुनाव को जीतने की तैयारी कर रही है, उसको लगता है किसी के सहारे वो चुनाव जीत जाएगी। पीएम मोदी को लगता है कि 2019 में पुलवामा हमले ने उनका बेड़ा पार लगा दिया था और 2024 में राम मंदिर के सहारे वो चुनाव रूपी भवसागर को पार कर लेंगे। बीजेपी ने राम मंदिर का पूरी तरह से राजनीतिकरण कर लिया है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस की आलोचना करने वाले जो विपक्षी नेता हैं उनको रामद्रोही करार दे दिया जा रहा है कि ये तो राम के दुश्मन हैं, रामद्रोही हैं, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं, हैशटैग चलाए जा रहे हैं, जनता उसमें फंसी हुई है और मनो मीडिया के जो जहरीले एंकर और एंकरानी हैं वो दिन भर यही राग अलापते रहते हैं कि देखो राम का अपमान कर दिया, बुलाया था नहीं गए, भगवान ने बुलाया लेकिन सोनिया ने ठुकरा दिया, खड़गे ने ठुकरा दिया, इस तरह की बातें की जा रही हैं और जनता भी विपक्षी नेताओं के लिए अपना माइंडसेट बना रही है कि भला राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं जा रहे। ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं गए, वो तो चले जाना चाहिए था, विपक्ष की इमेज को ख़राब किया जा रहा है। और जो आप देखें बीजेपी का आईटी सेल है वो इस तरह के मामले में बड़ा माहिर है, आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपको तमाम इस तरह के हैशटैग दिखाई देंगे जो विपक्ष के नेताओं के बारे में है और राम मंदिर से जोड़ के उनका कहें कि उनके बारे में गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं और उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। दिन भर सोशल मीडिया पर जाने क्या क्या बातें बोली जाती हैं और किस किस तरह की फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। ऐसे वक्त में राम मंदिर के उद्घाटन के न्योते को ना कह देना निश्चित तौर पर एक हिम्मत का काम है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि दलित बैकग्राउंड से आते हैं और संसद में खड़े होकर मैं मूल निवासी हूं ऐसी बातें कह देने वाले खड़गे की अध्यक्षता में अगर कांग्रेस ये फैसला लेती है तो ये बड़ी बात है, उनकी भी तारीफ की जानी चाहिए कि इतना एक मुश्किल फैसला उन्होंने लिया, क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई इस तरह की स्थिति है। गए तो फिर भी उसमें ये होगा कि जो माहौल बनाया जा रहा है वो आपको उल्टा पड़ेगा और नहीं गए तो फिर आपको हिंदू विरोधी की जो इमेज है वो आपके ऊपर लगा दी जाएगी, तो एक मुश्किल फैसला कांग्रेस के लिए रहा होगा। वैसे भी आप जानते हैं कि बीजेपी वाले कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी साबित करते रहते हैं और कांग्रेस पर मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगाते रहते हैं, इसलिए कांग्रेस के लिए ये फैसला निश्चित तौर पर मुश्किल रहा होगा। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पेश करने की कोशिश करती है और जो बीजेपी है वो हार्ड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है, इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि जब मार्केट में ओरिजिनल माल अवेलेबल है तो भला डुप्लीकेट माल को कोई क्यों खरीदेगा, यानी जब सीधे हार्डकोर हिंदुत्व जो कि इस तरह की राजनीति हिंदुत्व पर करती है बीजेपी आरएसएस वाले वो मौजूद है तो कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को कौन स्वीकारेगा, ये भी कई बार कहा जाता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस ने एक मुश्किल फैसला ले लिया है, भले ही वो हिंदुत्व अपना उसका उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया हो या जो चीज़ें की हों अपनी राजनीतिक नफे नुकसान को कैलकुलेट किया होगा, लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं होना निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति के लिहाज से जो मौजूदा राजनीति है क्योंकि वो धर्म के आसपास सिमट गई है, इसलिए इसको एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। कांग्रेस को भी ये पता होगा कि इससे चुनावी नुकसान हो सकता है, लेकिन इस नुकसान की संभावना के बावजूद अगर कांग्रेस ऐसा फैसला ले रही है तो ये वाकई एक बड़ा रिस्क है, बड़ी बात है। अगर आप कांग्रेस के विरोधी हैं तो भले ही आप इसे चुनावी स्टंट कह सकते हैं, लेकिन आप इसको देखें कि कांग्रेस जिस तरह से ये इस वक्त में फैसला ले रही है कहीं ना कहीं उसमें हिम्मत की बात तो है, क्योंकि इससे कांग्रेस को अपने आप को फिर से कहें कि हिंदुत्व के पक्ष में करने के लिए कि सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने में मुश्किल ज़रूर आएगी। वैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई मुसलमानों का वोट लेने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही होगी क्योंकि वो तो मुसलमान परस्त पार्टी रही है, लेकिन क्या सिर्फ मुसलमानों के वोट से कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है, ये सवाल भी अपने आप में अहम हो जाता है। और बीजेपी वाले कांग्रेस को लेकर ज़बरदस्त रूप से हमलावर हैं, सुनिए बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं। किसी भी अच्छे से अच्छे अनुष्ठान में विघ्न उत्पन्न करके कैसे संतोष प्राप्त किया जा सकता है, उस प्रवृत्ति की परचायक कांग्रेस पार्टी के साथ पता नहीं कौन सी समस्या है कि भारत का इतिहास जब जब करवट ले रहा होता है तब तब वो उस अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिष्कार करते हैं। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम, और आज
उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गवाया है, ये कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। जब देश में सांप्रदायिकता का जहर रिस रिस कर आम लोगों के जहन तक पहुंच चुका हो, जब देश में हिंदू मुस्लिम के बिना कोई बहस नहीं होती हो, जब जनता राम धुन में लगी हो, जब जनता रोजी रोटी और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा राम मंदिर के बनने से खुश हो, जब सियासत का आधार ही धर्म बन गया हो, जब मुसलमानों को सरेआम धमकाया जा रहा हो, जब मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हों, जब हर तरफ भगवाकरण हो रहा हो, जब मोदी हिंदुत्व की पताका फहरा रहे हों, तब इस तरह का फैसला लेना निश्चित तौर पर एक बड़े जोखिम को उठाना है। ज़रूरत है कि कम से कम विपक्ष के नेता तो बिगाड़ के डर से चुप ना रहें और इस सियासी हरकत पर खुलकर अपना स्टैंड लें। भले ही रिस्क है, जोखिम उठाना हो, लेकिन सही के साथ तो खड़ा ही होना होगा। जब सही और गलत में से किसी एक को चुनना हो तो आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, आप दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते, आपको न्याय की तरफ खड़ा होना ही पड़ता है। आज वक्त की मांग है कि विपक्ष न्याय की तरफ खड़ा हो, आज ज़रूरत है कि जनता न्याय का साथ दे, आज ज़रूरत है कि देश की आवाम मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी को सत्ता से बाहर कर दे। आप भी ठहरिए और सोचिए, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा आपकी टिप्पणी का इंतजार है, आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।